गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं. फर्स्ट, जहां पर हम हर एक बायर को एक सेपरेट मार्केट मान रहे हैं, और दूसरा है जहां पर हम फ्रेम कर रहे हैं ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ बायर्स. जो फर्स्ट मेथड है जहां पे हम हर एक बायर को एक सेपरेट मार्केट मान रहे हैं, यहां पर हर एक बायर के को जब हम सेपरेट मार्केट मान रहे हैं तो उसके लिए अलग मार्केटिंग मिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, और ये चीज़ हर एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए जो है फिजिबल नहीं है. प्रोडक्ट के कुछ सर्टेन फीचर्स हैं, अगर वो फीचर्स प्रेजेंट हैं तब हम कह सकते हैं कि हर एक बायर को हम एक सेपरेट मार्केट मानेंगे. लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो मेथड है, बहुत कम यूज़ होता है. ये मेथड कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर जैसे जो साइज है प्रोडक्ट का वो बहुत बड़ा है, जैसे शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, या कॉस्ट जो प्रोडक्ट की है बहुत ज़्यादा हाई है, करोड़ ऑफ रुपीज़ में है, ड्यूरेशन जो है सेल एग्रीमेंट की वो बहुत ज़्यादा लंबी है, ईयर्स लगते हैं एक ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट होने में, जो ऑर्डर है प्रोडक्ट के लिए वो प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट की बेसिस पे नहीं होता है. प्रोडक्शन शुरू होती है ऑर्डर रिसीव करने के बाद, सप्लाई ऑर्डर रिसीव करने के बाद. डिलीवरी पीरियड बड़ा लंबा होता है. प्रोडक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बायर्स, और बायर्स जो है जनरली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या बिग इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है. यहाँ पर आप बायर के अकॉर्डिंग उसकी नीड, जो नेसेसिटीज़ हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्ट है उसे बना रहे हैं, और हर एक बायर के लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं. उसको हम कस्टमाइज्ड, जैसे आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट हम उसे दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हर एक बायर को जो है हम डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. द नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फ्रेमिंग ब्रॉड ग्रुप ऑफ बायर्स. इसमें जो बायर्स हैं, जो टोटल मार्केट है उसमें जो डिफरेंट बायर्स हैं, हम उनको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड्स कर लेते हैं एक सेगमेंट के अंदर, और उस सेगमेंट को हम एक सेपरेट मार्केट मानते हैं, और उस सेपरेट मार्केटिंग के ऊपर जो सेपरेट मार्केटिंग मिक्स है हम अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पर जहाँ पर हम ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ बायर्स को सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक सेपरेट मार्केट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक कस्टमर को पर्सनली स्टडी करे, स्पेशली अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके बड़े हैं. तो जो मैन्युफैक्चरर है वो इस मोड को अप्लाई करता है कि वाइड ग्रुप ऑफ बायर्स और सेगमेंट्स को कॉमन बेसिस के ऊपर वो बना लेता है, और उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर मार्केटिंग मिक्स को अप्लाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को पता है मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन सबके डिफरेंट नीड्स है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, तो उसने मार्केट को डिवाइड किया उसी बेसिस पे, मेन्स वेयर, लेडीज वेयर एंड चिल्ड्रन वेयर. द नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट का मतलब है जहाँ से आपको एग्रीगेट डिमांड पता चल रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए. तो जो मार्केट्स हैं वाइडली डिफरेंट हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, और मार्केटिंग सेगमेंट अगर आप करते हो तो वो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट्स देता है कि वो इजीली फुलफिल कर सकता है डिमांड पर्टिकुलर सेगमेंट की बजाय सभी कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस करने के. तो अगर पूरी मार्केट के लिए, पूरे एग्रीगेट डिमांड के लिए वो प्रोड्यूस करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी, उसके जो रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम जो आउटपुट है वो नहीं देंगे, क्योंकि उसके रिसोर्सेज उन कस्टमर्स के ऊपर भी लगेंगे जो उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट सेगमेंट वो करे ताकि उसके रिसोर्सेज उन्हीं कस्टमर के ऊपर फोकस करें जो उसका प्रोडक्ट परचेज करेंगे. तो जो मार्केटर्स से सेवरल अप्रोचेज वो अडॉप्ट करते हैं मार्केट्स को सेगमेंट करने के लिए, पहला है मास मार्केटिंग, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग, एंड तीसरा है टारगेट मार्केटिंग. सबसे पहले बात करते हैं मास मार्केटिंग की. मास मार्केटिंग में आप पूरी टोटल मार्केट को एक ही सेगमेंट कंसीडर करते हो, आप एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो और उसे मार्केट में कस्टमर्स के लिए सोल्ड करते हो एक ही कॉमन मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू. तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप कंज्यूमर्स के बीच में यहाँ पर उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आप नहीं करते हो.
और मार्केटर को नहीं लगता है कि जो भी डिफरेंस है कंज्यूमर का इन एजुकेशन, इनकम, लाइफस्टाइल एसेट्रा, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स जो हैं उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर किया जाए। वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफर करता है सभी कस्टमर्स को, और जो डिफरेंट है वेरियस बेसिस पे उन सभी को। तो जो फर्म है उसे नहीं लगता कि सेगमेंटेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कोको कोला कंपनी है, जब स्टार्टिंग में वो कंपनी आई थी तो उसने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था कि वो एक ही फ्लेवर, एक ही बॉटल और एक ही प्रोडक्ट को सभी मार्केट्स में अप्लाई करती थी। और बट ड्यूरिंग द टाइम अगर हम देखें तो जैसे अगर एट प्रेजेंट देखें तो कोको कोला की आपको डाइट कोक भी मिलती है, कोका कोला की आपको डिफरेंट पैक्स में भी बॉटल्स मिलती हैं, आपको फैमिली पैक भी मिलेगा, आपको सिंगल छोटी बॉटल भी मिलेगी, मिड साइज की बॉटल भी मिलेगी। तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दूसरी स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाता है। जो स्टार्टिंग में कोको कोला ने अप्लाई की थी वो थी आपकी मास मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, और अब एट प्रेजेंट जो वो फॉलो कर रही है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग। अगर आप मास मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ तो वो ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देती है मार्केटर को। यहाँ पर जो मार्केटर है उसे पता चल जाता है कि जो कंज्यूमर है वो एक सिंगल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मार्केटर ट्राई करता है कि डिफरेंट साइजेस, कलर्स, शेप्स, फीचर्स, क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करे एज पर नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। जैसे अगर हम कोलगेट की ही बात करें तो जो कोलगेट टूथपेस्ट है वो आपको कोलगेट सॉल्ट में भी मिलेगा, वो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में भी मिलेगा, डिफरेंट साइजेस में भी मिलेगा। सेम तरीके से अगर आप क्लोजअप की बात करते हैं तो वो आपको रेड कलर में भी मिलता है, वो आपको ब्लू कलर में भी मिलेगा। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये मोस्टली आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनमें होता है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, सीडी प्लेयर्स एक्सेट्रा में। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टारगेट मार्केटिंग। यहाँ पर जो टोटल मार्केट है आप उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो। टारगेट मार्केट का मतलब है एक सेट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल बायर्स आपके प्रोडक्ट के, सर्विस के या आइडिया के। तो जो टारगेट मार्केटिंग है वो हेल्प करती है मार्केटर को करेक्टली आइडेंटिफाई करने में मार्केट्स को, जो कंज्यूमर्स हैं उनके ग्रुप को जिसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है। इसमें तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला है मार्केट सेगमेंटेशन, देन है मार्केट टारगेटिंग और तीसरा है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन में आप डिवाइड करते हो मार्केट को सर्टेन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स में, जिनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेसिस पे, और जिन्हें सेपरेट प्रोडक्ट्स चाहिए, सेपरेट मार्केटिंग मिक्सेस चाहिए। देन मार्केट टारगेटिंग होता है, ऑल्टरनेट है टारगेट मार्केटिंग का, लेकिन सिनोनम नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। टारगेट मार्केटिंग का ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे मार्केट टारगेटिंग एक एक्ट है जहाँ पे आप इवेलुएट करते हो, सेलेक्ट करते हो एक या फ्यू मार्केट सेगमेंट्स को जहाँ पे जो मार्केटर है वो ऑपरेट करेगा। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग। यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट डिवेल्प किया है, जो मार्केटिंग मिक्स जो रिक्वायर है पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को, उसे आप सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की इमेज आप अपने जो टारगेट कस्टमर है उसके माइंड में प्रोजेक्ट करते हो। जैसे मारुति 800 कार है तो वो स्मॉल कार सेगमेंट में आती है, और वो डिज़ाइन इसलिए की गई, किस तरीके से की गई है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और फैमिली कार है, तो उसकी प्रोडक्ट की इमेज ये दी गई है कि अगर जो किसी को कार लेनी है तो वो मारुति 800 ले सकता है। अगर वो जो टू व्हीलर है उसे शिफ्ट कर रहा है फोर व्हीलर में, स्टार्टिंग में अगर वो बेसिक में शिफ्ट कर रहा है, तो इसी तरीके से और बहुत एग्जांपल हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग के, कि जहाँ पर जो एक प्रोडक्ट को जब आप नाम अगर उसका लिया जाता है तो सबसे पहले उसकी क्या क्वालिटी, क्या इमेज आपके माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए आती है। जैसे अगर हम कोलगेट की बात करें तो जो पहले माइंड में आता है जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग की गई है दैट इज़ ट्रस्ट, की जो मदर्स हैं उसको ट्रस्ट करती हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन क्या अगर कोई एड आती है, प्रोडक्ट आता है, तो क्या आता है मदरली लव जो है उसका इमेज फोकस किया गया है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेगमेंट मार्केटिंग।
अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर जो सेगमेंट मार्केटिंग है वो सेवरल बेनिफिट्स ऑफर करता है ओवर मास मार्केटिंग. जो कंपनी है वो ज़्यादा एफिशिएंटली टारगेट कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, चैनल्स को, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स को अपने कंज्यूमर्स के लिए. और ये बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल है. जो कंपनी है वो मार्केट को ज़्यादा इफेक्टिवली मैच कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स, प्राइजेस, प्रोग्राम्स के थ्रू अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स के साथ. द नेक्स्ट इज बेसिस क्या है, क्राइटेरिया क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए. जो स्टेप है टूवर्ड्स डिवेलपिंग ए मार्केटिंग सेगमेंटेशन वो है, सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी वो है लोकेट करना कि किस बेसिस पे आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो. तो डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो मार्केट को सेगमेंट करने के लिए. एक सिंपल डिविजन है प्रोडक्ट मार्केटिंग का जो प्रोफेसर कैंडेफ एंड स्टिल ने दिया है, दैट इज कंज्यूमर मार्केट एंड इंडस्ट्रियल मार्केटिंग. और अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर कंज्यूमर मार्केट को आप सेगमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल बेसिस, डेमोग्राफिक बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस, मार्केटिंग बेसिस, प्रॉफिट बेसिस, क्वांटम बेसिस एंड लॉयल्टी बेसिस. जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उन्हें आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो. जैसे टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, यूजुअल परचेजिंग प्रोसीजर क्या है, साइज ऑफ यूजर्स क्या है, या जियोग्राफिकल मार्केट सेगमेंटेशन क्या है. इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.